हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट संजय पाटीदार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सक्शन कैथेटर के बारे में कि सक्शन कैथेटर क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके साइज, उसकी कलर कोडिंग, इन सब के बारे में हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि सक्शन कैथेटर क्या होता है। सक्शन कैथेटर वो होता है जिससे हम पेशेंट्स के कफ को उसकी ट्रेकेस्टोमी या ईटी ट्यूब से रिमूव करने के लिए जो ट्यूब यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सक्शन कैथेटर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि सक्शन कैथेटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर है, इसके थ्रू मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा। देखते हैं पार्ट्स ऑफ सक्शन कैथेटर। ठीक, ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टिप विथ अ सिंगल ओपनिंग, मतलब कि यहाँ सिंगल ओपनिंग रहती है, ये इसकी टिप है। ठीक है, देन इसकी पूरी बॉडी, इसको हम बोलते हैं कैथेटर। ठीक है, देन ये आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, यहाँ से हम कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, देन इसको हम बोलते हैं कनेक्टर फॉर वैक्यूम, ये वैक्यूम से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो आपका सक्शन ट्यूब रहता है उससे कनेक्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टर विद वैक्यूम। ठीक है, देन ये इसकी पूरी कैथेटर की बॉडी, ये हमारे पास एक 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर, इसकी टोटल लेंथ है 530 mm या 53 सेंटीमीटर, साइज 10 फ्रेंच। ठीक है, हमने देखा कि सक्शन कैथेटर के जो पार्ट्स है उनके नाम देख लिए, कलर कोडिंग। अब हम देखते हैं सक्शन कैथेटर की साइज, कलर कोडिंग ऑफ सक्शन कैथेटर। सबसे पहले हम देखते हैं 6 फ्रेंच, मतलब कि 6 नंबर का जो सक्शन कैथेटर होता है उसका कलर लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, ये हम टर्म एंड मेच्योर इन्फेंट बेबी में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 8 नंबर, मतलब कि 8 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर, उसका कलर ब्लू होता है। उसको हम सक्शनिंग फॉर इन्फेंट, मतलब कि जो इन्फेंट रहते हैं बच्चे, उनमें यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 10 फ्रेंच का, मतलब कि 10 नंबर का जो सक्शन कैथेटर रहता है उसका कलर ब्लैक कलर का होता है, जो हमने हमारे पास एक है। ठीक है, देन उसको हम यूज करते हैं सक्शनिंग फॉर 6 से 8 साल के बच्चे में हम इसको यूज करते हैं सक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा 12, मतलब कि 12 फ्रेंच का जो सक्शन कैथेटर होता है उसका कलर व्हाइट होता है, उसको हम यूज फॉर 10 to 12 ईयर्स चाइल्ड, मतलब कि आपके पास यदि 10 से 12 साल का जो बच्चा है उसमें हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 14 नंबर का डार्क ग्रीन। ठीक है, ये हम एडल्ट में यूज करते हैं। 16 नंबर का सक्शन कैथेटर का कलर ऑरेंज रहता है, ये भी हम एडल्ट में मोस्टली यूज करते हैं। 18 नंबर का जो सक्शन कैथेटर रहता है वो हम एडल्ट में यूज करते हैं, उसका कलर रेड होता है। ठीक है, 20 नंबर का सक्शन कैथेटर या 20 फ्रेंच का, उसका कलर येलो होता है, वो भी हम एडल्ट में यूज करते हैं। 22 नंबर का सक्शन कैथेटर का कलर वॉयलेट होता है, उसको हम एडल्ट में यूज करते हैं। बट किन में, ये जिस पेशेंट का जो कफ रहता है, म्यूकस रहता है, वो यदि थिक हो, गाढ़ा हो तो, और उसमें क्लोट्स हो, तब हम इस सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं 22 नंबर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 24 नंबर, जिसका कलर लाइट ब्लू होता है। ठीक, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट और लास्ट सक्शन कैथेटर होता है, इसका हम यूज इमरजेंसी में करते हैं, यदि पेशेंट्स की ट्रेकेस्टोमी ब्लॉक हो गई हो और उसमें कफ बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ही गाढ़ा हो और उसमें क्लोट्स हो, तब हम इस कैथेटर का यूज करते हैं। रेगुलरली बहुत कम यूज इसको हम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ सक्शन कैथेटर, मतलब कि आप सक्शन कैथेटर का यूज करने से पहले पेशेंट्स को के ऊपर क्या क्या इंडिकेशन अप्लाई करते हैं। ठीक, सबसे पहले पेशेंट को हम जो सेमी पोलर पोजिशन देना है। ठीक है, नेक्स्ट उसका वाइटल्स चेक करना है, वाइटल्स में आपको मेन SpO2 उसका, मतलब कि सेचुरेशन लेवल चेक करना है। ठीक है, और यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको सबसे पहले प्रॉपर ऑक्सीजन देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट यदि पेशेंट कॉन्शियस हो तो उसको डीप ब्रीथ करने का बोलना है सक्शन से पहले। ठीक है, और सक्शन करने से पहले और करने के बाद आपको आपकी जो सक्शन मशीन है उसे चेक करना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, देन यदि आप सक्शन कैथेटर को ट्रेकेस्टोमी या ईटी ट्यूब में इंसर्ट करते हो तो उससे पहले आपको इंसर्ट के टाइम पे आपको जो सक्शनिंग का जो स्विच है उसको ऑफ ही रखना है, इंसर्ट करने के बाद उसको ऑन करना है। ठीक है, देन आप यदि उसमें उससे विड्रॉल कर रहे हो, मतलब कि बाहर निकाल रहे हो, तब आपको चालू करना है और 10 से 15 सेकंड तक ही आपको सक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको उसके बाद फिर
वाइटल्स को मॉनिटर करना है, यदि पेशेंट डल और ड्राउजी हो रहा है तो आपको सक्शन होल्ड करना है, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन देना है, ठीक है। यही हम इंडिकेशन को हमको ध्यान में रखते हुए पेशेंट का हम सक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सक्शन कैथेटर क्या होता है, उसके पार्ट्स, उसके साइज, कलर कोडिंग, ठीक है, और इंडिकेशन, इन ये सब हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और ऐसे ही नर्सिंग नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।